नाम है शर्ट ऑफ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने जो मूवी में पहने हुए कुछ कपड़े हैं, अपने पर्सनल कपड़े, उनको मैं एक ऑक्शन करता हूँ। लोग आते हैं मुझसे, मैं उनसे मिल भी सकता हूँ इस बहाने, और वो एक तरीके से वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो एक सिम्बायोटिक सी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती हैं। तो ये स्वाति है और मैं इसको मिला था जब ये 4 साल की थी। इसके पेरेंट्स नहीं रहे क्योंकि HIV हो गया था उनको, बट शी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और जब मैं पहली बार मिला तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने पूछी कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, जो हर कोई पूछता है, तो इसने कहा कि डॉक्टर बनना है। तो मुझे कहीं ना कहीं याद आया कि बचपन में मेरे भी पेरेंट्स सोचते थे ऐसा कि मैं भी शायद डॉक्टर बनूंगा, जो मैं ऑब्वियसली नहीं बन पाया। और बहुत मुश्किल भी होता है, कई कारण होते हैं लोगों के। मेरा कारण तो सिंपल था, मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भयंकर सा नहीं था। बट मैं कोई ऐसा रीज़न नहीं आने देना चाहता हूँ जिसकी वजह से स्वाति की पढ़ाई कभी रुके। तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। हर कोई कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप किसी एक इंसान की मदद करें तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, एक इंसान की मैं मदद कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लोग इतने सारे मदद करें, मैं अकेला नहीं हूँ जैसा आप देख रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू साजिद सर ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। तो बस मुझे खुशी इस बात की है कि कभी स्वाति को रुकना नहीं पड़ेगा। उसे डॉक्टर बनना है तो मेरी तरफ से जो होगा मैं कर सकूँगा। जी जी, ये सर मेरा ही आइडिया है। क्या हुआ था कि कुछ साल पहले मेरे को कॉल आने लगे कि चैरिटी करिए। लोगों को लगता है कि आप एक्टर बन गए हो तो आपको बहुत सारी चैरिटी करनी ज़रूरी होती है। और तो मुझे, आई डोंट कम फ्रॉम, मैं 16 साल का था तो मैं अपने घर से भाग गया और मैंने जो भी किया है फिगर आउट किया लाइफ में कैसे क्या करना। तो आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बड़े बड़े चेक साइन करके दिए जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपनी तरफ से, अपने हाथों से कुछ करूं कि लोगों को इन्वॉल्व करके, कि जिसमें किसी की मदद हो सके। तो ये आइडिया फिर निकल के आया। और इसमें गराज सेल टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें क्या है कि पुराने फिल्म के, पिछली फिल्म के कुछ कपड़े और अपने पर्सनल यहाँ पे हम लोग शोकेस करते हैं, लोग आते हैं उसको खरीदते हैं। वैलेंटाइंस भी इसी से रिलेटेड है। आज के दिन में जो जो लोग आए हुए हैं उन सब का नाम और नंबर हमारे पास रहेगा, इनमें से एक लकी ड्रॉ निकलेगा और वैलेंटाइंस में हम उस इंसान के साथ, उस लड़की के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ आप वैलेंटाइन पे कुछ अलग करने वाले हैं? दो सिटीज़ में कर रहा हूँ मैं, एक बार हैदराबाद में, एक बार बॉम्बे में। तो इतना ही हो जाए मुझसे तो काफ़ी होगा, और किसी चीज़ के लिए टाइम बचेगा नहीं। कुछ एक्साइटिंग है और बहुत जल्दी मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, बट चीज़ों का अपना टाइम होता है और अपने टाइम पे चीज़ें अनाउंस हो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट आई डेफिनेटली प्रॉमिस एवरीवन कि जो पिछला काम उन्होंने देखा है उससे भी ज़्यादा स्माइल करेंगे जब वो मेरा काम देखेंगे।